अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब खैर वाफियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, फिट एंड फाट। तो जी आज का व्लॉग करते हैं शुरू। सुबह के 4 बजे का टाइम हो रहा है और इस टाइम हूँ मोटरवे पे और हम जा रहे हैं जी, पहले जाएंगे डबलिन एयरपोर्ट, वहाँ से जाना है जी हमने सिलाई को। और वहाँ पर क्या लेने जाना है मैं आपको अपने साथ चल के दिखाता हूँ रस्ते में। मेरा नाम है मोहम्मद जवाद, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। बहुत जल्दी मैं कसम से लेट हो गया बहुत ज़्यादा। तो जी ये है जी सामने वाला टर्मिनल 2 और इधर वाली साइड पे है जी टर्मिनल 1। तो जी वो एक किसी भाई को छोड़ना था हमने एयरपोर्ट पे, उन्हें दिया है छोड़। अब हम जा रहे हैं जी ऑनवर्ड्स टू सिलाईगो, वहाँ पे मेरी एक मीटिंग है, तो जैसे फिर मैं जा रहा हूँ भाई इमरान के साथ सिलाईगो। आपको भी लेके चलते हैं रास्ते में, फिर हम भी ट्राई करेंगे। वो फिर मैं पीछे बैठा होता इसलिए मैं व्लॉग बना नहीं रहा था। तो जी M4 के ऊपर हमें एक गैस स्टेशन मिला है, तो यहाँ पे अब रुके हैं, कॉफ़ी शॉफ़ी पीते हैं, उसके बाद फिर मोहम्मद जवाद खुद बजाते ड्राइविंग सीट संभाल लेंगे। यहाँ से लेते हैं जी कॉफ़ी ओट्स वाली तेरे। एक केड़ा वा लार्ज है कि रेगुलर है? रेगुलर है। तो जी कॉफ़ी लेते हैं साथ, इसमें से थोड़े बहुत कैरामल ऐड करेंगे तो फिर थोड़ी सी एनर्जी आएगी। कॉफ़ी ली है साथ मैंने लाते, और साथ ही मैंने केक लिया है। ये दो चीज़ें ली हैं जी मैंने। अब यहाँ से आपका भाई ड्राइव करेगा गाड़ी, तो इसको रखते हैं फिलहाल यहाँ पे। इशो जनाब ऑन द वे टू सिलाईगो और रहा जवाब साहब अब ड्राइविंग सीट पर। सुबह के इस वक्त बज गए 6:05, इंशाल्लाह हम आओगे 7:45 अराउंड 8 o'clock। बारिश हो रही है बाहर हल्की हल्की और ड्राइव करने का भी मज़ा आ रहा है। धूप का वेट कर रहा हूँ, जैसे धूप निकलेगी फिर आपको मैं बाहर का व्यू भी दिखाऊंगा। सिलाईगो की तरफ रवा दवा है, तो अभी 50 किलोमीटर रह गया है सफ़र हमारा, तो मैं कंटिन्यूसली वहाँ से ड्राइव करता हुआ आ रहा हूँ। तो बहुत खूबसूरत सीन्स आए हैं रास्ते में, लेकिन ये है कि आपको मैं वापसी पे दिखाऊंगा, क्योंकि फ़िलहाल मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ, तो इसलिए आपको इस टाइम तो दिखा नहीं सकता। तो मैंने वहाँ पे पहुँचना है, मेरी मीटिंग स्टार्ट होनी है 9 बजे, तो इस वजह से फ़िलहाल तो मैं आपको ऐसे इंजॉय करवा देता हूँ रोड। पीछे भी एक बहुत प्यारी लोकेशन आई थी, वो आपको वापसी पे दिखाऊंगा इंशाल्लाह। बारिश हो रही है फुल हैवी किस्म की, साथ साथ बंद हो जाती है बीच में शुरू हो जाती है, तो वो ऐसी कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन व्यू बहुत अच्छा है माशाल्लाह, बहुत प्यारा व्यू आ रहा है। तो जी टाइम टू चेंज द सीट, अब सीट चेंज करते हैं भाई साहब यहाँ पे पार्किंग में रुका थे। अबे भाई साहब यहाँ मतलब क्या है, गाड़ी सीट चेंज करते हैं, मैं जाऊँगा पैसेंजर सीट पे भाई इमरान चलाएंगे। बारिश हो रही है तो वो गाड़ी पानी के छींटे पड़ेंगे मेरे को, इसलिए मैं साइड पे हो गया। ये जी सिलाईगो के अंदर एंटर हो चुके हैं और हमारी डेस्टिनेशन भी तकरीबन 3 किलोमीटर रह गई है। तो ये है जी किंग्स ब्रिज, प्राइवेट हॉस्पिटल है यहाँ पे। ये है जी साथ रिवर, इसमें नज़र आ रहा है कहीं 5x में भी नहीं नज़र आ रहा, तो चलिए शीशा सारा गीला हुआ है ना पानी से, तो इस वजह से नज़र नहीं आया, लेकिन बहुत प्यारा था। आप देखें सारा इसके ऊपर कर लेते हैं भाई साहब। तो जी ऑफिस में पहुंच चुका हूँ, ये है जी ऑफिस जहाँ पे मैंने आना था, तो चलते हैं अंदर, मैं इधर सिक्योरिटी वगैरह क्लियर करवा लूँ एक दफ़ा। मैं मिल चुका है, अब हम चलते हैं, चलें जब चलते हैं। ओके जी अल्लाह हाफिज़।
आपको साइड पे लेके जाता हूँ ऑफिस में। ये है जी बिल्डिंग ऑफिस की, आप रिसेप्शन पे चलते हैं। ब्रेक हुई है और क्या से कहते हैं, मैंने कहा आगे लंच करके हटाऊँ, अब मैंने कॉफ़ी पीते हैं दोबारा, फिर से थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी। बैक टू बैक ऑन वर्क, कसम से यार मत बजगी है मेरी इस टाइम फुल हैवी किस्म की। कंटिन्यूसली काम पे काम, काम पे काम हो रहा है, मीटिंग्स, सर्वे, विजिट, फक से इतनी बड़ी बिल्डिंग है, ऊपर से मेरा तो दिमाग घूम रहा है कर, इतनी बड़ी बिल्डिंग है। अब यहाँ से ब्राउन शुगर लूँगा मैं तो बिल्डिंग काफ़ी बड़ी है, ऊपर से लैपटॉप साथ मेरे हाथ में पकड़ पकड़ के साथ चलना पड़ रहा, मुझे चेक करनी पड़ी है साइट्स वगैरह सारी, तो खैर कोई ऐसी बात नहीं। टाइम हो चुका है जी 5:44, आई स्टार्टेड एट 9:00 इन द मॉर्निंग। इट्स फकिंग क्रेजी ब्रो, बट द थिंग इज काम अभी भी पेंडिंग है कल के लिए, अगर कल जितना हो सका वो कर दूंगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीक मैं देखूंगा। फिलहाल तो जी डन हो गया पूरा दिन ऑफिस में, वो मीटिंग्स यू नो मीटिंग्स अटेंड की, भाई साहब सर्वे किया, इतना कुछ था करने को, मत बज गई है। तो ये रहा जी मेरा कार्ड उन्होंने दिया, ये मेरा आज है 27 फरवरी, ये 29 तक वैलिड है ये वाला कार्ड, तो मैं जहाँ मर्जी जो जिस मर्जी जगह पे जाके ना इसको एक्सेस कर सकता हूँ, मतलब ज़्यादा नहीं कर सकता, लेकिन ये कि मैं अंदर किसी भी जगह पे एंट्री कर सकता हूँ इस कार्ड के ज़रिए। अब हम जा रहे हैं जी वाटरफॉल पे, वाटरफॉल पे जा रहे हैं, अब हम एक वाटरफॉल पे जा रहे हैं भाई, इमरान ने देखी यहाँ पे, तो हम वहाँ पे जा रहे हैं वाटरफॉल पे। आपको देखी नहीं है, किसी ने बताया कि सबसे खूबसूरत जगह। अच्छा अच्छा, देखी नहीं है लेकिन किसी ने बताया है कि यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत सी वाटरफॉल है स्लाइगो में, तो मैंने कहा चलते हैं देख के आते हैं, आपको भी अपने साथ दिखाता हूँ मैं। कंपनी ने मुझे ऑफर किया था कि हम आपको ऑफर कर रहे हैं, तो अगर आप बोले ना अगर आपने प्राइवेट लेना है तो प्राइवेट ले लें, मैंने कहा नहीं कोई मसला नहीं, तो उन्होंने वो रूम मुझे बुक करवा के दिया, तो वो इमरान भाई और मेरे साथ ही रहेंगे वहाँ पे, तो ऐसे मसले वाले की बात नहीं है। अंदर व्लॉग मैंने इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि वहाँ पे अलाउ नहीं था, तो इस वजह से फिर मैंने बनाया नहीं, क्योंकि मैं बिज़ी भी था, टाइम भी नहीं था मेरे पास इतना कि मैं वीडियो बनाता फिर, तो ये वजह थी, इस वजह से फिर मैं बना नहीं सका। तो जी पहुँच चुके हैं जी वाटरफॉल के पास, ये साथ है जी झील, और आपको आगे चल के एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताता हूँ मैं यहाँ के बारे में। आवाज़ तो आ रही पर नज़र नहीं आ रहा फिलहाल, मैंने मोबाइल पे कवर नहीं चढ़ाया हुआ, गिर ही ना जाए, लेकिन खैर कोई ऐसी बात नहीं, टूट ओके। मैं आया, बैग मेरा पीछे पड़ा ना। अच्छा जी, तो ये देखिए जिस सामने आपको मैं पहले झील दिखा दूँ, यहाँ से ये रही जी झील सारी, ठीक है, और अब मैं आपको लेके चलता हूँ वाटरफॉल की तरफ। अच्छा, तो जो इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताने लगा था कि आयरलैंड के अंदर सबसे खूबसूरत जो काउंटी है ना, मतलब एज ए टूरिस्ट प्लेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे ब्यूटीफुल काउंटी क्लेयर है, ठीक है, क्लेयर मे बी मैं सही नाम ले रहा हूँ, प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ, और दूसरे नंबर पर जो काउंटी है वो काउंटी स्लाइगो है, जो कि बहुत खूबसूरत मानी जाती है। आपको चल के मैं वाटरफॉल भी दिखाता हूँ चल के, लेकिन मे भी मुझे लगता है कि थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा, लेकिन ये है कि मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि अंधेरा भी हो रहा है साथ साथ, तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। ये जी लिखा हुआ है जी वेलकम टू ग्लेंसर वाटरफॉल इन स्लाइगो। अंधेरा हो चुका है लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मुझे नज़र आ जाए, मैं आपको भी दिखा दूँ इससे पहले कि कुछ ज़्यादा ही अंधेरा हो जाए। आपको पानी की आवाज़ तो सुनाई दे रही होगी शां शां करके, क्योंकि पानी बहुत स्पीड से आ रहा है। एक तो ये देखें जी, देख रहे हैं, और वो रही सामने जी वाटरफॉल, आपको चल के वाटरफॉल भी दिखाते हैं। ये पानी यहाँ से सारा नीचे जा रहा है, और आई थिंक सो मुझे ऊंचा बोलना पड़ेगा आपको सुनाने के लिए अब अपनी आवाज़। और ये रही जी सामने वाटरफॉल, माशाल्लाह। वाटरफॉल के नज़दीक आके मैंने कहा आपको एक वीडियो और बना के दिखा दूं, इमेजिन करें ये पानी ठंडा कितना होगा यार, एक तो पहले ही इतनी ज़्यादा
सर्दी है और ऊपर से पानी भी इंतहा किस्म का ठंडा होगा, और जो नीचे जाके वहाँ पे खड़े होते होंगे उनका क्या बनता होगा, मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे जाके कोई खड़ा हो सकता है, क्योंकि एक तो पानी का वज़न इतना ज़्यादा होगा और ऊपर से मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे कोई यहाँ पे कोई खड़ा हो पाएगा, क्योंकि एक तो पानी भी बहुत ज़्यादा ठंडा है, ऊपर से इतनी ऊपर से जब नीचे आएगा आपका तो ये सर खोल के रख देगा। यहाँ पे इसकी फॉर्मेशन लिखी हुई है कि ये कैसे आया था, पहले ऊपर जो पत्थर थे ना वो जस्ट ये रैंडमली आता था, यहाँ से बहता था, ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि पानी नीचे लग लग के एक किस्म का गढ़ा बन गया, ठीक है, उसकी वजह से विद द पैसेज ऑफ टाइम वाटर का फ्लो चेंज होता रहा, यहाँ पे जमा होता था फिर आगे जाता था, लेकिन एंड देन अगेन व्हाट हैपन कि जो पत्थर था ना वो आपको पता है, आपने साइंस पढ़ी होगी कि वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वाटर के फ्लो की वजह से वो उतर गया, टूट के जो पत्थर था यहाँ से गिरा है, गिर के तो यहाँ पे आके नीचे इसकी जो डेप्थ थी ना वहाँ पे आके गिर गया, ठीक है। अब ये है कि डायरेक्ट यहाँ से पानी आता है पीछे से और सीधा फिर यहाँ से नीचे आके गिरता है स्पीड से आके, तो यहाँ पे थोड़ा सा इकट्ठा होकर फिर आगे चल जाता है लाइक दिस। ये चीज़ ये है, यहाँ से आता है और इस जगह पे यहाँ से फिर आगे जा रहा है, जिस तरह ये देखें कि रियलिटी में पहले यहाँ से आके ये आगे जा रहा है एंड तक नीचे, वो आगे तक जा रहा है। ये थी वाटरफॉल जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था और मैं ख़ुद भी देखना चाह रहा था कि वाटरफॉल कैसी होगी, तो भाई साहब माशाल्लाह बहुत ही प्यारी है, बहुत ही खूबसूरत है। तो कल आपको मैं कल वाले व्लॉग में आपको मैं बीच पे लेके जाऊंगा काम ख़त्म होने के बाद, क्योंकि कल भी भाई साहब बहुत हैवी किस्म का काम है, तो लेट्स सी, कल भी मीटिंग सर्वे एवरीथिंग साइड विजिट बहुत काम है। आपका भाई इंजीनियर है तो आप इजी में ना लेना, आप इजी ना लेना अपने भाई को, आपका भाई एज ए इंजीनियर वहाँ पर इस टाइम काम करके आया है, तो ऐसी कोई मसले वाली बात नहीं है। अब चलते हैं यहाँ से वापस, जो कंपनी वालों ने कमरा दिया आपके भाई को वहाँ पे जाके आराम करेंगे, पहले रास्ते से कुछ खाएंगे, खा के फिर वहाँ पे जाके सोएंगे आराम सुकून से। बहुत थक गया हूँ मैं, क्योंकि मैं सारे रास्ते ड्राइव करता आया हूँ, यहाँ पे आके फिर सारा दिन काम करता रहा, तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। ओके, लास्ट में आपको एक दफ़ा फिर दिखा दूँ, एक तो दो दो मोबाइल को संभालना भी बड़ा मुश्किल है, ये एक मेरी पॉकेट में ये था मोबाइल 11 प्रो मैक्स मेरा पुराना मोबाइल, और एक हाथ में मेरा ये था, तो मोस्टली मैंने ये वाले 15 प्रो मैक्स ही यूज़ किया था काम पे भी ना। तो खैर अब चलते हैं वापस, आपको चल के मैं दिखा देता हूँ कि ये जो पानी जा रहा है आपको, मैं वो झील भी विज़िट करवा देता हूँ जिस झील में ये पानी जा रहा है, तो उसके बाद भाई साहब गाड़ियों में बैठता मेरी होगी है बस। ऊपर वाटरफॉल से पानी आता हुआ, पीछे से जो आ रहा था पानी, मैं आपको मैं एक दफ़ा मैंने कहा झील आपको मैं दिखा दूं कि जिस झील में आके पानी ये जमा होता है, तो सामने वो झील है, काफ़ी बड़ी झील है, तो इसमें वो पानी आके इकट्ठा होता रहता है, तो माशाल्लाह बहुत प्यारी है झील भी, फिर आगे 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 डिवाइड होता रहता है पानी ना। आई थिंक ये इन्होंने बंद किए हुई है, वरना मैं आपको आगे जा कर दिखा देता। तो ये देखिए ये है जी झील जिसकी मैं बात कर रहा था, 5x पे आपको दिखा देता हूँ मैं, नहीं तो 2x पे ठीक है, क्योंकि रात का टाइम है तो वो मे बी वीडियो अच्छी ना बने, हवा भी चल रही है ना साथ साथ। ये है जी झील सारी, ये पीछे से चलती आई है रोड के साथ ना, पीछे से सारी चलती आई है रोड इसके साथ ही बिल्कुल, तो पीछे से पूरे रोड के साथ साथ ही आई है यहाँ पे। फाइनली जी ले लिया है जी हमने पिज़्ज़ा, ये ले जी आपका, और कबाब ढूंढ रहे थे लेकिन कबाब हमें मिला नहीं, फिर हमने डिसाइड किया कि डोमिनोज का पिज़्ज़ा खाते हैं, भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है, तो आपको पिज़्ज़ा खा के फिर आपको मैं चल के रूम का टूर करवा के फिर सोते हैं और भी लोगों को एंड करते हैं, बहुत थकावट होगी, साथ दरिया चल रहा है, नीचे करके दिखा देता हूँ आपको, ये दरिया चल रहा है साथ, यहाँ पर इंजॉय करते हैं पिज़्ज़ा खा के, तो फिर घर वापस। लैपटॉप लगा दिया है जी चार्जिंग पर, ये रहा जी लैपटॉप चार्जिंग पर लग गया, और आपको मैं रूम का टूर भी दे देता हूँ, थोड़ा मुझे नीचे होना पड़ेगा रूम के लिए, तो ये जी
फर्स्ट यहाँ पे जी कुछ कबर्ड्स बने हैं छोटे से खाने कबर्ड सही है स्पेस में दी हुई चीज़ें रखने के लिए। और ये जी टीवी लगा हुआ है और ये है जी बेड और ये साइड टेबल आ गया और ये फिर एक तीन मिरर आ गया पीछे एक सीनरी लगी हुई है और दैट्स द रूम। और अब भाई साहब रूम आपको दिखा दिया, अब सोने का वक्त हुआ जाता है क्योंकि सुबह फिर मैं 9 बजे जाना है वहाँ पे साइड पे। तो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, तब तक अपना और अपने वालदान का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। फी मानेला इंस्टाग्राम और स्नैपचैट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर फॉलो कर लीजिएगा। अगर आपकी कोई क्यूरीज हुई तो आप मुझे पूछ लीजिएगा इंस्टाग्राम पर मैसेज करके, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा एज सून एज पॉसिबल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़, बाय।